फाइनली फाइनली अब जाके स्ट्रेस और एग्ज़ाम दोनों ख़त्म हुआ। चलो अभी सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है देखूँ तो, नेहा कक्कड़ हनी सिंह एंड ढिंचक पूजा के न्यू गाने। चलो तब ढिंचक पूजा के गाने देखकर रोस्ट करते हैं और हनी सिंह और नेहा को इन्जॉय करते हैं। मुझे लगा था मिल बैठेंगे दो कलाकार तो क्या गाना बनाएंगे यार, पर यहाँ तो एक गंदी मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। और कहीं जोगिंदर भाई तुम इसी बवंडर आके आने के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे? तो चलो यार अब और ज़्यादा दीपक की रिंग लाइट्स की बैटरी ख़त्म ना करते हुए शुरू करते हैं। आटा लगा तुम्हारी गलती की वैसे, पर पॉटी किया आके यूट्यूब पे। कांटा लगा उइमा 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 उइमा, बेचारा कांटा भी सोचता होगा भाई मैं इतनी कस के लगा भी नहीं टोरी भैया को जिन्होंने इतना बड़ा गाना लिख दिया मुझे। एक कांटा लगने के बाद जितनी भी बच्चे एक आवाज़ निकाल सकते हैं ना, आय हाय ओहो आहा, सब टोनी भैया ने डाल दिया और बना दिया एक औसम सा गाना। क्यों, मैंने बोला था ना भैया टोनी भैया इज़ ओपी, कुड़कुड़े भैया से अच्छा कोई गाना नहीं बना सकता। मतलब क्या कला है, किसी भी साउंड को एक गाना बना दो। वाह 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 वाह, मज़ा आ गया देख के। मतलब लिरिक्स का इतना अकाल पड़ा हुआ टोनी भैया के पास कि धीमे धीमे अपने पुराने सॉन्ग के लिरिक्स को डाल दिया। मैं एक चीज़ प्रेडिक्ट करूं कि टोनी भैया कैसे उठते होंगे, हाँ कितना मस्त दिन है, ये पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, मैं स्विमिंग पूल चलो एक गाना बनाता हूँ, पानी 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 पानी, कितनी सुंदर मेरी रानी 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 रानी। और नेहा दीदी तुम्हें अगर हॉलीवुड जैसे कपड़े डिज़ाइन करवाने ही थे तो अपने भाई को बोल के थोड़ा गाना भी हॉलीवुड वाले लेवल का कर लेती। मतलब गोबर के ऊपर धनिया डाल देने से गोबर डोनट नहीं बन जाता। और चलो अब थोड़ा सा हमारे ढिंचक पूजा दीदी पे भी नजर डाल लेते हैं कि उन्होंने क्या बवाल मचाया हुआ है यूट्यूब पे। ढिंचक दीदी आपके इस गाने को देख के आंखों में आंसू आ गए, मतलब कम से कम टोनी भैया जी तक की तरह इन्होंने इस गाने में ओहो आ तो नहीं किया ना इस गाने में। आवाज़ तुम्हारी ढिंचक दीदी बिल्कुल नेहा दीदी जैसी नहीं है नो डाउट, बट लिरिक्स तुमने टोनी भैया से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कम से कम समझ तो आ रहा है हमें कि तुम बोलना क्या चाह रही हो। अच्छा कम से कम टोनी भैया की तरह ये तो नहीं बोला कि मेरे टोनी कक्कड़ के गाने सुन के लड़की बोली उइमा। मतलब ढिंचक दीदी और टोनी भैया इन दोनों में से अगर गाना कंपेयर करना हो तो आई चूज ढिंचक दीदी, क्योंकि इनका ये वाला सॉन्ग ना टोनी भैया के गाने के लिरिक्स से काफी ज्यादा बेस्ट है। ये लाइनें सुनने के बाद ना मुझे लगा कि अब जाके मैं इस गाने में आगे स्टेबल रह सकती हूँ, वरना पूरा गाना मैंने रो रो के देखा है। टोनी भैया तुमने इतना दुख डाला है ना, आहा उइमा ओहो एहे आहा, क्या बोलूँ मैं टोनी भैया, आंखों से आंसू ही आ गए। और तुम लोग दोष मत दो, जिसके ऊपर लिरिक्स म्यूज़िक रैप सब चीज़ का लोड हो बेचारा क्या करेगा। तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई लोड नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और न्यू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, और फिर भी नहीं करोगे तो